इस वक्त पौनी में मौजूद हूँ। आपको बता दें पीडीडी के जो जई हैं उनके खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और पीडीडी डिपार्टमेंट के मुर्दाबाद के जहाँ पे नारे लगे हैं, इसका कारण है जो नए जई आए हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि ये जो जई हैं लोगों के घर पे छापे मार रहे हैं, जो कच्छा पहना है निकर है ओके वही पहन के लोगों के घरों में जा रहे हैं और लोगों का जहाँ पे 400 या 450 बिल आता था लोगों का 7,000 या 9,000 बिल आ रहा है। लोगों ने जमकर नारेबाजी की, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा कि अगर ये कल ये ट्रांसफर नहीं हुआ उसके बाद ये लोग धरने पे बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करके उसके जिम्मेवार कोई मास्क नहीं पहना वो सीधे अंदर चलेगी। तो उसके बाद उन्होंने बोला मीटर लगाओ, कई लोगों ने मीटर लगाए हैं, कई लोगों ने पैसे पहले के दिए मीटर उन्होंने डिपार्टमेंट ने लगाने थे वो लगाए ही नहीं है। अब इस इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन जो जिसका सुबह करो मेरा है, इन्होंने क्या किया 8,400 एक बंदे का कराया है, 8,400 बिल आया है ऑनलाइन उसको 8,400 है और जो बिल दे रहे हैं वो है 18,000 का। ये बताओ ये कहाँ की गुंडागर्दी है। अब मैंने उनको रात को फ़ोन किया, मुझे कहता कि ये मैं इनको बिजली 24 घंटे दूंगा। मैं कहा ये बात नहीं होती, आप जैसे घर गाँव में जाते हैं बस लेडीज बैठी होती हैं, बस यही बात है हम उसके खिलाफ। आज जो पौनी में जो मोटा चौरा है, पंचायत पौनी का मोटा चौरा, ऑल ओवर जितनी भी पौनी की पंचायतें हैं, ये सभी जहां बिजली डिपार्टमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। सबसे पहले बात यह है कि आज से कुछ दिन, एक 15-20 दिन पहले जेई साहब जो हमारे जेई में नए नए आए हुए हैं, उन्होंने सीधा लोगों के घर जाके कुछ हमारी माताएं बहनें जो बाथरूम में थी, कोई किचन में थी, कोई स्टोर में थी, और जेई साहब का जो एड्रेस था वो मुझे सुनने के लिए, शायद मैं मौके पर नहीं पहुंच सका, सुनने के लिए वहां आया कि उनका एड्रेस जो था वो नाकाबिले था। जो एक छोटी सी निक्कर पहन के जो लोगों के लेडीज के घर पहुंचे हैं वो एक बहुत छर्रने आ गए, और ना उन्होंने मास्क लगाया था, और ना उन्होंने मास्क लगाया था। गवर्नमेंट एकेडमी से एहतियात कर रही है कि लोगों को मास्क लगा के किसी के घर में जाओ, और एक जेई साहब जो बिना मास्क के और बिना ड्रेस के जो ड्रेस होता है, हम अपने घर में निक्कर पहन के नहीं बैठ सकते, क्यों? हमारे घर में माताएं बहनें बच्चे हैं, और एक जेई जो चप्पल पहन के और निक्कर लगा के लोगों के घर जा रहा है, और वो सीधा किचन में जा रहा है, किचन के बाद निकल सीधा बाथरूम में जा रहा है। जेई का क्या काम है बाथरूम में और किचन में घुसा? अगर आपने चेकिंग करनी है तो अच्छा करो, बिल्कुल आप चेकिंग करो, आपका काम बनता है, लेकिन ये नहीं है कि आप सीधे जाओ जाके कहीं पूजा रूम में घुस जाओ, कहीं किचन में घुस जाओ, कहीं बाथरूम में घुस जाओ। इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टम है जो सिस्टम चलाती है गवर्नमेंट, लोग बिल देते हैं, किराया देते हैं, कोई आज दे रहा है, कोई कल दे रहा है, दे रहे हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि आप गुंडागर्दी करना स्टार्ट हो जाओगे, ये कौन सा न्याय है? इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इस पे हमारा प्रोटेस्ट है भाई, यही आपके ड्रेस के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ड्रेस तो अलग चीज रही, ड्रेस को एक अलग चीज रही, ड्रेस एक इंसान का पहलवा है, ये आपका पहलवा कैसा? बिल सुनो यार, बिल नहीं बोलो ना, बिल रही बिल की बात, रही बिल की बात, जो हमारे यहाँ एक दुकानदार मेरे भाई हैं संजय शर्मा उनका नाम है, जो उनका बिल बिल्कुल क्लियर है, उनका बिल एक महीने का 7,600 रुपए उनका बिल आया है। जेई साहब जहाँ फिर वो मीटर चेक करें, मीटर चेक कर देनी है अपनी मर्जी से, दफ्तर में बैठ के लिख देते जो मर्जी है, ऐसा नहीं होना। हमारे नए जेई जी आए हैं ना, आज तक ये कभी हमारे घर बिल देने आए, ना इन्होंने कभी पावर चेक की, ना कुछ इमीडिएटली आए। मैं दरवाजे में खड़ी थी, मैंने कहा आप कौन हो, क्या? उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और खींच के मारा, कहता मैं छापा मारने आया हूँ। ये कब की बात है मैम? ये 25 तारीख तो इसने मेरी गार्डरेज अलमारी खोल ली, साथ उसके कोई नहीं था, एक लड़का था, ना हम उसको जानते थे, ये बिजली वाला है कौन, कच्चे बनैन में था, ना मास्क था उसके मुंह में, और सीधा कहने लगा मैं तुम लोगों को मजा दिखाऊंगा, मैं तुम लोगों को मजा सिखाऊंगा, तुम एक बल्ब मेरे घर में पीला मिला उसको, तो उसने वो बल्ब भी तोड़ दिया, और पहले 300 रुपया था, आज 3,500 रुपया इसने हमारे घर में बिल डाला। बखरे बखरे मकान चो मकान चो मकान है
एक महीना मैं ले लेना टाइम तो महीने में मीटर लगी आवन तो इसी मीटर की तो इसी बिल की कर लाओ तुम है ना ठीक है नहीं लगता फिर फिर हां फिर तो फ्लैट रेट पा लायो हां फिर पा लायो बिल नहीं लगा हां ठीक है तेरा जे जैसे लगे मीटर से पाई है कि आप क्यों तो नहीं पता नहीं हो रहा पता नहीं है बगैर जा के कि लेडी कर ली उठ के अंदर तो मैं छोड़ लानी उसी से जे चाहिए लगनी थी जी जी ठीक है अगर जरूरी एंट्री करना जिसकी कोई कला तो मेरा नाम रिश्तेदारी ले जाना चेडी करना पुलिस की ले जाना करना कल नहीं एंटर करना स्पीकर आन लगा इस वेले पब्लिक सुना दी मेरी सारी पौनी दे विच लगे पौनी लाइट दे एरिया विच डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब आप तो चसाना से लेकर मोहर गुलाबगढ़ और बगदार सभी जगह गए हो लेकिन पौनी का चक्कर रहो जहाँ की हालत देखो लोग गरीब हैं जहाँ के देखो कि एक जही आया है जिसने नाक दम कर दिया है तो ये है कि हम चाहते हैं कि बिजली की ड्राइव चलनी चाहिए जो कनेक्शन इलीगल हैं वो खत्म होने चाहिए और उनको फाइन होना चाहिए जो चढ़ रहे हैं उनका जो बिल आ रहा है अकॉर्डिंग बिल आना चाहिए जो मीटर नहीं लगे हैं उनको कम से कम 2 महीने का समय दे दो कि भाई 2 महीने में मीटर खरीद कर लगा लें पहले ये चल रहा था कि डिपार्टमेंट लगाएगा हम मस्त थे मैं मस्त छोड़कर सभी दुनिया मस्त थी कि 2 डिपार्टमेंट मीटर अब एकदम आया कि मीटर जो लगाओ नहीं तो ये होगा किसी का 15,000 किसी का 18,000 किसी का 27,000 एक महीने का बिल यहाँ पर कोई फैक्ट्री 2 साल से कोरोना है दूसरा बड़ी बात यह है कि मैं भी रिटायर्ड लेक्चरर हूँ ये मजाक की बात नहीं है बदतमीज बोलता है और इसकी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सुनकर आज 2-3 लेडीज यहाँ पर तहसीलदार साहब के सामने आंसू बहा रही थी कि उसको बाजू से पकड़कर बाहर फेंका गया बाजू को पकड़कर उसके बच्चों की और लड़कियों के साथ उसके फोटो लिए गए वो बता रही थी इस किस्म का जही आपने हमारे पास भेजा है जनाब से यही रिक्वेस्ट है मैं ज़्यादा नहीं बातें करूँगा एक तो जो बिल है वो कोई देने के लिए तैयार है 30,000-15,000 कोई बिल देने के पीछे जो फ्लैट रेट पीछे आता जिन लोगों को वही देंगे वही इसको रिव्यू किया जाए वही देंगे और जिनके मीटर लगे हैं उनकी रीडिंग करके ले लो और 2 महीने का हमें समय दे दो ताकि हम बाकी जनता जो रह गई है वो मीटर लगा ले परेशानी यह है कि पौनी ब्लॉक के लोग काफ़ी परेशान है 3-4-6 महीने से लगातार लॉकडाउन चल रहा है और हमारे नए जज साहब हैं लोगों को परेशान कर रहे हैं 8-8-10,000 बिल दे रहे हैं मैं इनके एक्सिन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ किसी जज को फौरन जगह से आज ही उठा के अपने ऑफिस में अटैचमेंट करते हैं वो हमारे पास दूसरा जो नया जज भेज दें क्या आज कभी बिल चेक करने आया आपका मीटर चेक करने बिल तो कभी चेक करने के लिए देखा बिहार में लोगों को बुझा दी है लोग गरीब लोग हैं जो गाँव में 90% लोग किराया दे रहे हैं 90% लोग पैसा देते हैं जो बड़े लोग नहीं थे उनको पूछो जाके जो गाँव में लोगों जिसने बंदे 4 पखे हुए हैं उसका 2600 बिल भेज रहा है आज आजकल किसके बच्चे हैं 10-12 बच्चे किसके हैं 10-12 पखे घर में किसने लगाए हैं वो एटेना 10-12 पखे चलाता है वो एटेना 2 या 3 पखे चलते हैं आजकल 2 या 3 बच्चे होते हैं लोगों एक से ऊपर बच्चा किसी का नहीं है ये अंतराज बिल लोगों को भेज रहा है जी
क्या ये बिजली आपको वोल्टेज पूरी आ रही है आपके? अगर ट्रांसफर नहीं होती है जय साहब की तो आप क्या करेंगे? रोड बंद करेंगे, हमारे साथ 10,000 बंदा पौनी में होगा, पौनी बाजार पूरा बंद होगा, हम रोड बंद जाम करेंगे। कल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पे कोई जाम लगाए, हम पहले डीसी साहब से बताना चाहता हूँ, डीसी साहब से जय को आज शाम को जहाँ से उठा लो। तो कल वो सुंदरबनी वाला हिसाब हो जाएगा, जैसे वो जनता बैठ गई तहसीलदार के खिलाफ, जहाँ रोड बंद हो जाएगा तो फिर आप डीसी साहब जाने, तहसीलदार साहब जाने, एक्शन साहब जाने। वो बोलना मैं डीसी साहब नु मानता ही नहीं, सुन लो मेरे पास बहुत पावर है, मैं डीसी साहब कौन है, सरपंच कौन है, मैं किसी को नहीं मानता। आप जो आपने कहना, मैं चाहूँ तो रात को 2 बजे आपके घर छापा मार सकता हूँ। मैं हमारे घर आया, कच्चे बनैन में आया, वो बोलने लगा, मैंने उसको बोला ठहरो आप कौन हो, हम घर में अकेली, बाजू से पकड़ के पटाख के मारा उसने, बोला कि मेरे में बहुत पावर है। मैंने कहा अगर आप में पावर है, अगर आपने छापा मारना है, हमें मोहलत दो, देखो किसी सरपंच को, किसी पंच को लाओ, आओ हमारे घर में। बोलने लगा मैं किसी को नहीं जानता, मेरे में बहुत पावर है। गल सुनी है, मैं सरपंच हूं पौनी दी, मगर ये बड़ा गलत हो रहा है जी साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। साड़ी नम्रता का जरा तुम फायदा गलत उठा दो कि मेरी लेडीज जी गल सुना दें, तो यह मैं ऐसे स्वीकार नहीं करके, अस ये बाद भी किश करी सकने, मगर तुम ये पूछे बगैर तुम गलत किया, जो भी किया अपनी ड्यूटी करो। एक ऑफिसर की मर्यादा के अंदर रोना चाहिए, यह नहीं है कि जिदा घर मन, एक कोई इंसानियत नहीं है। तुम नौकरी करते हो जे कोई भगवान थोड़े हो, सीधे अंदर गई जाइए बड़ी जाते, कोई रोल नहीं है। ये गलों बाद मैं इे आखा कि अगर अच्छे ढंगे काम करो तुम, तो अस तुम मतलब मौका दिने, अगर एक महीने का टाइम लैता है, वह बाद अस जे अगर एक महीना अस वेट करगे, वह बाद अगर तुम दूई बारी बदतमीज की, आज कदे भी है। मैं लोगों की मांग है कि जय साहब ट्रांसफर, मैं लोगों के साथ हूँ, जो मेरी पब्लिक करेगी मैं उनके साथ। मैं लोगों का कहना है कि जय साहब की ट्रांसफर होनी चाहिए, क्या आप इसके पक्ष में हैं? अगर ऐसी बदतमीजी होगी तो ट्रांसफर होनी चाहिए। मैं अपने लोगों के साथ हूँ, 2 दिन का टाइम है, साहब से बात करेंगे, उनको आज भी हमने सुनाई है, कल भी करेंगे, और कल मैं आपको बताएंगे कि कैसे हमने करना, ठीक है? अपने मर्यादा में रहकर अपने काम करें, जो भी काम करना है, ये नहीं है कि किसी के अंदर जाके चले जाओ और औरत अंदर होगी तो क्या बोलेगी, वो गलत बात है, ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। मेरे पूरे बिल जो तो लेके 21 तक मेरे पूरे बिल सारे मेरे को, इस बार मेरे बिल जरा ना 20,000 भरिया, क्या मैं जगह फैक्ट्री ला छड़ी उधर, जी साहब ने मेरे का बिल भरिया, कहीं बदतमीजी की थी, और इस तरह नहीं करना चाहता। पहले कितना बिल आता था आपका? पहले 300-350 कोई बात नहीं, इतना बिल 2,000 रुपया हुआ, 1,000 रुपया हुआ, कोई बात नहीं, इतना बिल उसने 20,000 भर दिया मेरा। उन्होंने जो वाक्य किया हमारे जय साहब ने, वो बड़ा निंदनीय है, हम इसके कड़ा विरोध करते हैं। अगर हमारी सरपंच साथी ने अभी आपको बताया कि 2 दिन का टाइम, लेकिन हम कल का टाइम देंगे, अगर कल जय साहब की ट्रांसफर नहीं होती है, हम परसों शुक्रवार सुबह 10 बजे हम पूरा पौनी बाजार बंद कर देंगे, और इसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो खुद अपना फैसला कर लेगी क्या करना है। जो हमने हमारे साथ बदतमीजी करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा जई इधर आके मतलब कि विजिट करता है, छापे लगाता है, हम चाहते हैं ऐसा जई हॉनेस्ट है और उसको श्रीनगर भेजना चाहिए, उसकी इधर नहीं जरूरत है, ठीक है? वहाँ पे जाए और वहाँ पे लोगों का रेवेन्यू कम आता है, इधर तो ऑलरेडी आ रहा है। हम चाहते हैं कि उसको श्रीनगर में ट्रांसफर कर दी जाए, इसको भी पता चले कि कैसे होता है कि क्या नहीं है। धन्यवाद राम।